अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, चिल कर रहे होंगे और मौज मस्तियाँ चल रही होंगी। इतना प्यारा मौसम बना हुआ है ना, काली काली गोर खटाएँ जो है ना वो छाई हुई हैं और बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। तो हम बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी, और बेसन की रोटी जो है ना बहुत ही मज़ा देती है, बहुत ही चटपटी सी होने वाली है। तो हम वो बना रहे हैं, और हमने डाल दिया है 2 कप बेसन। आम जो प्याली होती है ना छोटी वाली, वो वाली आपने डाल देनी है। तो उसके साथ जो है ना हमने वेजिटेबल जो थी वो भी साथ ले लेने, वेजिटेबल में मतलब टोमेटो है, आनियन है, कोरिएंडर लीव्स हैं और उसके साथ मिंट लीव्स हैं। तो हमने टोमेटो को धो के तो उसको हमने चॉप कर लेना इस तरह से, इसको अच्छे से हमने चॉप कर लेना। और आनियन ले लेना है, 2 छोटे हों या 1 मीडियम साइज़ का जैसे होता है ना, तो वो वाला आपने ले लेना। और उसके ना इस तरह से बारीक बारीक से उसको काट लेना, स्लाइस वगैरह में दूसरा बना लेना। और 3 से 4 अदद जो है ना सुबह मिर्चें हैं वो हमने ले दी हैं, उनको चॉप कर लेना। तो हम बड़ी चटपटे से बनाएंगे, तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना वो बनानी है। और इसमें जो है ना हम डालेंगे ऑनियन भी है और मसाला जात भी है, तो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। और रेसिपी कार्ड में भी हम आपको उसको अच्छे से हमको आपको बता देंगे, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये मिंट लीव्स थे जो हमने कटिंग कर लिया उसकी, और उसके साथ ही हमने कोरिएंडर लीव्स थे, चिली फ्लेक्स है, और ये रेड चिली है पाउडर, और इसके साथ हम कोरिएंडर डालेंगे, और साल्ट है, और क्यूमिन, ब्लैक पेपर और हल्दी। तो इसमें हमने डाल दिया क्यूमिन डाल दिया, हमने कोरिएंडर डाल दिया, चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं ना वो वाली, और चिली पाउडर हमने डाल दिया मतलब सूख मिर्चें जो होती हैं ना वो डाल दी, और हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया और धनिया डाल दिया। तो बस ये सारी चीज़ें ना हमने मिक्स कर लेनी है। अभी हमने मसाला वगैरह जो है ना वो इतना ज़्यादा इसमें मिक्स नहीं किया, तो हम थोड़े सारे ये चीज़ें डाल देंगे। अब हम मसाला डालेंगे, मसाला सारी जो है ना इकट्ठे आपने डाल देना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, तो इसको गूंद लेंगे। एक ही दफ़ा आपने पानी नहीं डाल देना, बस अब थोड़ा थोड़ा सा डालना है और इस तरह से गूंदते जाना है। तो फिर इसके साथ जो है ना तो ये ज़रा अच्छा सा बन जाता है। फिर हम ज़्यादा थोड़ा सा पानी डालेंगे, और उसके बाद हमने इसको ना बैटर से तैयार कर लेना है इसका। तो आपने ना अपने जो है ना टेस्ट के मुताबिक ही जो मसाला जाता है ना वो लेने हैं, जितने हमने आपको बताया ना रेसिपी कार्ड में हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ लोग जो थे ना वो ज़्यादा चटपटा जो है ना वो खाते हैं, तो हमारा ज़रा थोड़ा ज़्यादा चटपटा सा भी हो जाता है, लेकिन मीडियम होता है मतलब दरमियाना सा होता है, तो जितना ज़्यादा नहीं होता। तो आपने भी उसी तरह से कर लेना है, कम या ज़्यादा पहले आप टेस्ट कर लें। अगर आपको मिर्चें या नमक की और ज़रूरत है तो फिर आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं इसमें। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, और इसको हमने ना बैटर तैयार कर लेना, थोड़ा पतला सा बना लेना, ताकि हम रोटी बनाने में ना आसानी सी हो जाए। लेकिन साल्ट जो है ना कम था, तो हम सर साल्ट थोड़ा सा और डाल रहे हैं इस टाइम पे, आप ना और भी डाल सकते हैं। कोरिएंडर है, ब्लैक पेपर है, ये हम थोड़ा सा और डाल रहे हैं हाथों में मसल के ना, तो आपने इस तरह से डाल लेना, या हल्का हल्का सा आपने ज़रा सा कूट लेना, और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना। तो हमने पैन रख दी है चूल्हे के ऊपर, और इसको हम थोड़ा सा घी डाल के ना तो थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ताकि हमारा पराठा जो है ना चपाती जो है ना वो इसके साथ चिपकने दे। तो हल्का जब गर्म हो जाएगा ना, तो आपने थोड़ा सा डाल के चेक कर लेना, तो फिर आप नहीं डालने वरना फिर आपकी रोटी जो है ना वो टूट जाएगी, चपाती जो है ना वो टूट जाएगी। तो इस वजह से ना आपने इस बात का ज़रूर ख्याल करना है, और इस तरह से आपने हल्का हल्का सा ऊपर ज़ोर से नहीं देना, तो दरमियान से फिर वो हट जाएगा, तो फिर रोटी जो है ना वो टूट जाएगी, चपाती जो है ना वो आपकी फिर वो टूट जाएगी। तो इस वजह से आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, बस इस तरह आपने इसको डाल देना है इसके ऊपर, और इसको गोल सा बना देना। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता सा बनता है। तो 1 से 2 मिनट जब हम इसको देखेंगे, तो इसका ऊपर से ना कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो एक साइड जो है ना वो बन जाएगी।
पक जाएगी भाजी, एक साइड जो है ना वो पक जाएगी, फिर हम इसको दूसरी साइड पे, तो हम इसको फ्लिप करेंगे ना जब दूसरी साइड पे, फिर टूटेगी नहीं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, इसको पकने देना और थोड़ा सा कलर इसका जो है ना वो ना, देखिए आप नीचे बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि ना ये नॉन स्टिक वाला है एक दो तवा, और दूसरा ये है कि पैन जो है, तो इस तरह से आप पक जाएगा, इस तरह अलग हो जाएगा, और हमने इसको फ्लिप कर लेना। अगर आप हाथ से नहीं कर सकते तो चम्मच उठा लें, छुरी उठा लें, तो दूसरी साइड पर उसको रखने सपोर्ट दे के, तो आप इस तरह से फ्लिप कर सकते हैं आसानी से, दूसरा ज़रा ईजी हो जाता है। तो हम घी लगा लेंगे, दूसरी साइड भी जो है ना एक से दो मिनट लगाए थे वो पक गई हैं, तो हम इस पर घी लगा देंगे, या बटर लगा दें या घी, वो आपकी मर्जी, या ऑयल लगाएं। तो बड़ा ही मज़ेदार सा चटपटा सा जो है तैयार हो चुका है, और हम फिर लेने लगे हैं इसका मज़ा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।